एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे कोडोन एग्जाम अपडेट के चौथे एपिसोड में। आज संडे है, रात के 10 बज चुके हैं, समय हो गया है एग्ज़ाम अपडेट का। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं DBT GRF का जो एग्ज़ाम 30 जून को होने वाला है। मुझे बहुत सारे मैसेज और ईमेल आए और बहुत सारे कमेंट बॉक्स में भी ये लिखा हुआ है कि मेरा सेक्शन ए वीकर है या सेक्शन बी में हमारा सब्जेक्ट नहीं है। हम सब का MSc में एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट होता है, किसी का बायोकेमिस्ट्री है, किसी का माइक्रोबायोलॉजी है, किसी का प्लांट बायोटेक्नोलॉजी है, किसी का एनिमल बायोटेक्नोलॉजी है, किसी का बायोटेक्नोलॉजी है। ऑफिशियली हम लोग कुछ खास चीज़ों को पढ़ते हैं और कुछ चीज़ें नहीं पढ़ते अपने सब्जेक्ट में। तो आज हम लोग उसी बारे में बात करने वाले हैं कि कैसे इसको ओवरकम किया जाए। तो सबसे पहले अगर आप स्कोर की बात करते हैं तो आपके मन में पहला बात क्या होना चाहिए, कट ऑफ की। इस DBT GRF की रिगार्डिंग और दो वीडियो हमने पहले भी बनाए थे, इसमें मिसलेनियस इन्फॉर्मेशन है। ये DBT BET के लिए स्पेशल वीडियो बनाया था जिसमें हमने बताया था कि लास्ट 10 दिनों में आपको क्या रिवीजन करना चाहिए, क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। और आज का वीडियो स्पेशली DBT के लिए है कि कैसे आप ओवरकम करें अगर कोई सब्जेक्ट आपका MSc में नहीं था और DBT में आता है। तो जैसे ही स्कोर की बात करते हैं, सबसे पहला जो बात आता है कट ऑफ की बात आता है कि मैक्सिमम कितना स्कोर किया जाए। जब भी आप स्कोरिंग की बात करें तो आप हमेशा मैक्सिमम स्कोरिंग को लेकर चलें। अगर जनरल की बात करें तो 180 है, तो अप्रॉक्सीमेट आपको जो टारगेट लेके चलना है वो 190 to 198, यानी कि 200 तक का टारगेट आपको लेकर चलना चाहिए। अगर मान लीजिए कि OBC है तो उसको कम से कम 170 का स्कोर लेके चलना चाहिए। अगर शेड्यूल कास्ट से है तो 160, इसके लिए 160, इसके लिए 170, इतना आपको मैक्सिमम लेके चलना ही चाहिए कि आपको इतना स्कोर करना है। जैसे EWS के लिए है 170 है, तो अप्रॉक्सीमेट 190 का टारगेट इनको लेके चलना है। अब जब कट ऑफ की बात हम समझ गए कि हमको कितना स्कोर करना है, तो अब ये समझना है कि क्वेश्चन पैटर्न क्या है। हम सब जानते हैं 50 क्वेश्चंस कंपलसरी हैं सेक्शन ए में और 50 क्वेश्चंस कंपलसरी हैं सेक्शन बी में। इसमें 150 क्वेश्चंस रहते हैं जिसमें 50 बनाने होते हैं, इसमें 50 क्वेश्चंस में 50 बनाने होते हैं, यानी कि 150 मार्क्स का ये भी है, 150 मार्क्स का ये भी है, बराबर मार्क्स का दोनों है, लेकिन इसमें से स्कोर करना है 300 में से 200 मैक्सिमम। हम किसी एक कटअप को लेकर चल रहे हैं जनरल का, आप इसी हिसाब से अपना स्ट्रेटजी भी तैयार कर सकते हैं। अब अगर इस 200 मार्क्स की बात करें, अगर तराजू को एक तरफ ले लें हम लोग देखें, तो 150 का इधर क्वेश्चन होता है और 150 का इधर क्वेश्चन होता है कि 50 क्वेश्चन 3 मार्क्स, 50 क्वेश्चन 3 मार्क्स, इसमें कंपलसरी है, इसमें आपके पास चॉइस है। अब अगर 33 क्वेश्चन आप इधर से करते हैं तो आपके टोटल मार्क्स होते हैं इधर 99, और अगर 33 इधर से करते हैं तो आपके मार्क्स होते हैं इधर 99। अब हम बात करते हैं उनके लिए जो ये कहते हैं कि हमारा सेक्शन ए कमज़ोर है, सेक्शन ए कमज़ोर है, कितना कमज़ोर है। आप अगर सेक्शन ए को गौर से देखेंगे तो सिर्फ 20 से 25 क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जो वाकई जनरल एप्टीट्यूड के होते हैं, यानी कि मैथमेटिकल बेस्ड क्वेश्चन होते हैं जो आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड नहीं होते। जैसे फैक्टोरियल आएगा, कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस है, कुछ जनरल एबिलिटी का क्वेश्चंस है, और इसमें से जो 25 से 30 क्वेश्चंस होते हैं वो होते हैं आपके सब्जेक्ट से, जैसे कि बायोलॉजी की पॉपुलेशन जेनेटिक्स में न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हैं। दूसरा, अगर आप प्रोटियोमिक्स में जाएंगे, प्रोटीन के स्टडी में, तो वहाँ पे मोलर और मोलल का कॉन्सेप्ट है कि कैसे स्टॉक सॉल्यूशन बनाते हैं, कैसे इसको डाइल्यूट करते हैं, इन सब से संबंधित क्वेश्चंस रहते हैं। कुछ माइक्रोबायोलॉजी में ग्रोथ रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, तो ये एक्चुअली में जनरल एप्टीट्यूड नहीं है, ये आपका सब्जेक्ट का ही है। तो अगर आप चाहें, अगर आपका सब्जेक्ट अच्छा है, सिर्फ जनरल एप्टीट्यूड अच्छा नहीं है, तो आप इसमें आराम से 24 क्वेश्चन से 26 क्वेश्चन कर सकते हैं। अगर आप 26 क्वेश्चन करते भी हैं तो आपका इधर मार्क्स कितना हो जाता है, 78 मार्क्स। ये तो हो गया मैक्सिमम जनरल के लिए। अगर आपके पास कोई कैटेगरी है, EWS है, OBC है, SC है, ST है, तो इससे भी कम करने हैं आपको। यही आपने इधर अगर 24 से 26 किया है तो इधर जहां आप 33 करने वाले थे, 7 क्वेश्चन इसमें इंक्लूड करके 40 ले जाइए,
कम से कम 150 क्वेश्चन हैं और इसमें से 50 बनाने होते हैं, तो 40 क्वेश्चंस तो हम लोग कर ही सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं तो कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा। अगर आप सेक्शन ए में अच्छा नहीं करेंगे, सेक्शन बी में आपको बेहतर करना होगा बेहतर स्कोर के लिए। वहीं अगर दूसरी तरफ बात करें कि सेक्शन बी वीकर है, लेकिन अगर आप पूरे सिलेबस को देखेंगे डीवीटी का, तो ऑलमोस्ट सारे बायोलॉजी उसमें कवर किए गए हैं। हाँ, उसमें लगा हुआ है एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी, प्लांट बायोटेक्नोलॉजी, लेकिन उसमें भी मॉलिक्यूलर है, उसमें भी जेनेटिक्स है, उसमें भी मेथोडोलॉजीज हैं। तो अगर आपका सेक्शन बी वीकर है, तो आपको सेक्शन ए में ज़्यादा स्कोर करने होंगे। यानी कि आप अपने हिसाब से एक क्वेश्चन का एस्टिमेट बनाएं कि सेक्शन ए में हमको कितना करना है और सेक्शन बी में आपको कितना करना है, और टोटल अप्रॉक्सीमेट आप ऐसा बनाएं कि आपके कट ऑफ से वो हमेशा ज़्यादा रहे। आज 21 तारीख है, अब आपके पास सिर्फ 6 दिन बचे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 7 दिन, क्योंकि 30 को एग्ज़ाम है। हम सब जानते हैं COVID-19 के कारण कि हमारा क्या हाल है। 28 से ही आपको प्रबंध करने होंगे अगर कहीं जाना है बाहर, क्योंकि बहुत सारे सिटीज़ में इसका सेंटर नहीं है, और अब मुझे नहीं लगता कि ये पोस्टपोन्ड होगा क्योंकि अभी तक कोई नोटिफिकेशन इसका नहीं आया है। तो 7 दिनों में ऐसा स्ट्रेटजी बनाइए, हमने जो पिछले वीडियो में आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स दिए थे उसको ज़रूर कवर कर लीजिए। अगर आपने नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप जाइए और उसको चेक कीजिए। जहाँ तक जनरल एप्टीट्यूड का सवाल है, बहुत सारे स्टूडेंट का जनरल एप्टीट्यूड से नाराज़गी है, तो मैं इतना कर सकता हूँ कि अभी 7 दिन बचा हुआ है तो हर रोज़ एक टॉपिक में कवर कराऊँगा। तो 6 से 7 दिन में हम लोग 7 टॉपिक कवर कर पाएंगे एग्ज़ाम में जाने से पहले, हो सकता है इससे आपको मदद मिल जाए। तो कल से 22 तारीख से मॉर्निंग 6 AM मैं एक प्रोग्राम ला रहा हूँ, MLP मॉर्निंग लर्निंग प्रोग्राम, जो कि सुबह 6 बजे आएगी हर रोज, और अभी एक सप्ताह DBT के लिए डेडिकेटेड होगी, जिसमें हम लोग बात करेंगे जनरल एप्टीट्यूड का। तो मैं 6 बजे लाइव आऊँगा, आप हमें ज्वाइन कीजिए, और अगर उसमें से कोई सवाल होगा तो आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, हम आपको ज़रूर कंसीडर करेंगे। अगर उसमें से कोई सवाल आपका रह जाएगा, डाउट रह जाएगा, तो आप हमें मेल कर सकते हैं या तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, हम आपके कमेंट को ज़रूर कंसीडर करते हैं। आप ज़रूर कमेंट कीजिए, क्योंकि आप सभी के कमेंट्स को पढ़ता हूँ और उसके जवाब भी देता हूँ। तो कल सुबह 6 बजे मुझे ज्वाइन करें, जनरल एप्टीट्यूड के लिए एक टॉपिक के साथ मैं आऊँगा और उसको क्लियर करके जाऊँगा, और मैं कोशिश करूँगा कि उस टॉपिक से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस आपके दूर हो जाएं। अगर आप हमें YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिए। अगर आप वेबसाइट पर हैं, वेबसाइट को सब्सक्राइब कीजिए, और आप हमें Instagram पर भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। आप ऐसे ही वीडियो को लाइक करते रहें, कमेंट करते रहें, ताकि मैं और वीडियो आपके लिए लेकर आता रहूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।